नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरें जो सिलसिलो जारी है इन वक्त असि तव्हांखे दारावाण में खबर ॾींदा हलूं त कंदरा लग गोठ सदोरो शेख में स्टेप फाउंडेशन पाकिस्तान जी यूनिट खुली वियो है जंहिंमें स्टेप फाउंडेशन पाकिस्तान जे चेयरपर्सन शाइस्ता बलोच जी आमद ते गुलनि जी वर्खा करे आजियां कई वई आहे। इन मौके ते स्टेप फाउंडेशन जे सदर गुलाम शबीर शेख खे नायब सदर सादिक अली शेख, जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा शेख, ज्वाइंट सेक्रेटरी राशिद अली शेख, फाइनेंस सेक्रेटरी जाबिर अली शेख, राबता सेक्रेटरी वाजिद अली शेख ए ऑफिस सेक्रेटरी दिलबर अली शेख के चूंडियो वियो है। इन मौके ते स्टेप फाउंडेशन पाकिस्तान के चेयरपर्सन शाइस्ता बलोच है तो असन जो पैगाम अवाम में शहूर पैदा करण है। तो आवाम के एडो रिलीफ मिलो बल्कि आवाम के सरकारी बनाए छो एकरा पूरा दिलासा देता देता आवाम के आवाम के कोडो रिलीफ कोन ता देता ता दसो गरीब मारू वाला जेको एक वक्त जे माने ला परेशान है उनन जे मथे ते छत ना है अगर स्कीम अचन भी थी तो वडेरन जे ओताकुन ते वने के वडेरा पंजे मनपसंद मानुन के देन ता तो सब गवर्नमेंट के खपे ते एड़ा जे इंडस्ट्रीज लगाए या एड़ा रोजगार दे नौजवानन के ताके वो पाण पंजो रोजगार करे सगन ना के वो बेकार हथ फैलाए मगर उन हमेशा यो ही मंशूर रो आवाम के भिकारी बनाए वो अस गुलाम हो जो वोट बरकरार रहे आवाम के अड़ा रोजगार नड़ी स्कीम ऐलान दिया वफाक के तरफा भी को भी नौजवान पैकेज ना आया न गरीब मानून वफाक एहसास प्रोग्राम पीपल्स पार्टी चवे थी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ भिकारी बनाने में आवाम के पूरा आवाम के रोजगार देने में बिल्कुल नाकाम थी चुका है। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awaminewsht.com।